Assalamualaikum, welcome to Bull Knowledge Hub. As essay writing competition winner and topper of various level, I am here to present you a different kinds of essays. And the today the essay we are going to do is an epidemic of dengue, a dreadful epidemic. Dengue एक dreadful epidemic के तौर पर हमने देखना है. Epidemic क्या होती है? एक वबा होती है जो पूरी मुआशरे को अपनी लपेट में ले लेती है. Dengue fever is an infectious disease. एक जो है वो infectious disease है which is caused by any of the four related dengue viruses. जो dengue virus से फैलती है. It is also called breakbone fever इसको कहा जाता है, यानी कि हड्डी तोड़ने वाला बुखार भी इसको कहा जाता है. because it may cause severe joint and muscle pain, क्योंकि इसकी वजह से joint पर जो muscle होते हैं और जो joints होते हैं, जोड़ होते हैं, उनमें pain start हो जाता है. dengue fever is an illness, एक बीमारी है, commonly found, जो पाई जाती है in the hot countries, गर्म मालिक में. dengue is transmitted, dengue जो है वो ट्रांसमिट होता है, मुंतकिल हो जाता है बाय फीमेल एडिस मॉस्किटो से, विच हैज़ बीन इन्फेक्टेड विद वायरस, जिसमें वायरस होता है. इट इंजेक्ट्स, ये इंजेक्ट कर देता है द पॉइजन, जहर को, इन टू द ब्लड ऑफ अ पर्सन, एक शख्स के ब्लड में. एज सुन एज, जल्द ही. इट बाइट्स द हिम, जैसे ही वो उसको काटता है तो उसके जिस्म में जो है वो वायरस मुंतकिल कर देता है. द सिम्टम्स, अलामात अपीयर, ज़ाहर होती हैं आफ्टर 4 to 7 days, 4 to 7 दिन के बाद. द विक्टम सफर्स, और जो शिकार हो जाता है, जिसको फीवर हो जाता है, फ्रॉम सीवियर हेडेक, उसको शदीद सर दर्द होती है, बैकबोन, कमर में दर्द होती है, पेन एट द बैक ऑफ द आईज, आंख के पिछले हिस्सों में दर्द होता है, एंड जॉइंट्स और जोड़ों में दर्द होता है, विद नोजिया, और बाज़ का मतली होती है, एंड वॉमिटिंग और क्या आती है. पेशेंट बिकम्स पेल, वो पीला हो जाता है, एंड वीक और कमज़ोर हो जाता है. हिज बॉडी इज़ पावर ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी बॉडी की जो जिस्म की जो रेजिस्टेंस पावर होती है, मज़ाहमत की कुव्वत जो होती है, बिकम्स वीक, वो कमज़ोर हो जाती है. रेड रैशेज, सुरख कलर के दबे ऑन द बॉडी अपीयर्स, उसके जिस्म पे ज़ाहर होते हैं. देर इज़ ब्लड इन हिज यूरिन, और उसके यूरिन में ब्लड आ जाता है, स्लाइवा में, एंड स्टूल और पखाने में. द प्लेटलेट्स इन हिज ब्लड, और उसके जो खून में प्लेटलेट्स होते हैं, डिक्रीज, वो कम हो जाते हैं, एंड बिकम वेरी लो, और बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. द डिज़ीज़ इज़ क्योरेबल, ये जो बीमारी है वो उसका काबिल इलाज है. एंड समटाइम्स, और बाज़ का ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर केयर, मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से, एंड मेडिकेशन और दवाई ना होने की वजह से, द पेशेंट डाइज, जो मरीज़ है वो मर जाता है. द मॉस्किटो, जो मच्छर होता है, कैरिंग, वो उठाए रखता है. द डेंगी वायरस ब्रीड्स इन द क्लीन वाटर, और ये हमेशा साफ पानी में प्रवेश पाता है. द वाटर टैंक्स, पानी के जो टैंक होते हैं, फ्लावर पॉट्स, मिट्टी के जो फूलों के गमले होते हैं, ट्री होल्स, दरख्तों के जो सुराख होते हैं उनमें, बकेट्स, जो हमारी बाल्टियाँ होती हैं, एंड रूम कूलर, और रूम कूलर्स में, आर फेवरेबल प्लेसेस फॉर द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ दिस मॉस्किटो, इस मॉस्किटो के, इस मच्छर की पैदाइश का बेहतरीन जरिया है. सो वी शुड रिड्यूस, इसलिए हमें चाहिए कम कर दें, एवरी पॉसिबिलिटी, हर मुमकिन इकदाम को, ऑफ कलेक्शन ऑफ वाटर के, जहाँ पे पानी जमा हो सके. सिंस, क्योंकि नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन इसकी नहीं बनी, फॉर द डेंगी फीवर, इस बीमारी के लिए, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमेशा इलाज से बेहतर एहतियात होती है. द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिज़ीज़, इस बीमारी के रोकथाम के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा अहम है, डेट द पब्लिक अवेयरनेस कम्पेन, जो अब पब्लिक अवेयरनेस कम्पेन जो है अमंग मैसेज अवाम के दरमियान, शुड बी लॉन्च, उसको लॉन्च किया जाए. इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा वेरियस प्रिकॉशनरी होते हैं एहतियाती मेजर्स, इकदाम एट वेरियस लेवल्स, मुख्तलिफ लेवल्स पे, पीपल शुड बी एडवाइज, लोगों को नसीहत की जानी चाहिए, टू वियर, के वो पहने फुल स्लीव्ड शर्ट्स, पूरे बाजू वाले कपड़े, एज यूज़ मॉस्किटो नेट्स, जो मच्छर की जो जालियाँ होती हैं, नेट होती है जाल, वो इस्तेमाल करें, एंड अप्लाई और इस्तेमाल करें मॉस्किटो रिपेलेंट्स के, किसको कहते हैं, मच्छर मार जो अद्वियात होती हैं उनका इस्तेमाल करें, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम द बाइट ऑफ दिस मॉस्किटो, इस मच्छर के काटने से. अवेयरनेस मैसेज, जो आगाही का पैगाम है, शुड बी गिवन, देना चाहिए, टू द मैसेज मैसेज अवाम को, थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि हमें अखबार के ज़रिए भी, एंड इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया और टीवी के जरिए भी इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए कि आवाम जो है वो कैसे मॉस्किटो से बच सकती है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन जनरल, आमतौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पंजाब की गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर, खासतौर पर टुक अप्रिशिएबल स्टेप्स, उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं टू कंट्रोल दिस एपिडेमिक, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। एट आलमोस्ट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सारे जो तालीमी अदारे हैं आर स्टिल डिलीवरिंग लेक्चर्स, वो अभी तक लेक्चर दे रहे हैं टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स को अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस डिजीज़, इस बीमारी की वजूहात एंड इट्स ट्रीटमेंट और उसके इलाज के लिए। एंटी मॉस्किटो मेडिसन्स, एंटी मॉस्किटो, मॉस्किटो को ख़त्म करने वाली, मच्छर ख़त्म करने वाली मेडिसन्स आर स्प्रेड, वो उनका छिड़काव किया जा रहा है टू किल द मॉस्किटो, मच्छर को मारने के लिए। नो डाउट, कोई शक नहीं, दिस डिजीज़ क्लेम्ड लाइव्स ऑफ सम ऑफ द अनफॉर्चुनेट पर्सन, इस डिजीज़ ने कई जो बदकिस्मत लोग थे उनकी जान ले ली है। हैड द पब्लिक अवेयरनेस कम्पेन बीन लॉन्च अर्लियर, अगर ये पब्लिक कम्पेन पहले लॉन्च की जाती, द लाइव्स ऑफ मैनी पर्सन भी सेव, तो कई जिंदगियां जो थी वो बचाई जा सकती थी। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो डैट यू हैव मैनी अदर एसेज लाइक दिस ऑफ आवर एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन विनर, सो डैट यू कैन विन एनी कॉम्पिटिशन और एनी एग्जाम इन योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।